बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना का उड़ीसा के तट पर लैंडफॉल रात करीब 12:30 बजे से शुरू हुआ। ये कुछ देर और जारी रहा और हवाओं की रफ्तार घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे बह गई है। आईएमडी के मुताबिक लैंडफॉल से पहले तूफान 6 घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। ये केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकनिका और भद्रक जिले के धामरा के बीच लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तट पर पहुंचा। दाना के असर से उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है। 5.84 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। धामरा समेत कई इलाकों में पेड़ भी उखड़ गए। भद्रक केंद्रपाड़ा में 30 सेमी से ज्यादा बारिश का अनुमान। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना अभी लास्ट देखेंगे तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड में गति किया है विथ स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर में। एंड अभी हम देखेंगे तो धामरा से 15 किलोमीटर नॉर्थ में है और हबेलीखट्टी कैंप जो भीतरकनिका में आता है उसमें से 30 किलोमीटर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है। अभी जो फिलहाल जो इंटेंसिटी है अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और उसका विंड स्पीड अभी भी 100-110 किलोमीटर पर आवर अगस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर में है। लैंडफॉल प्रोसेस अभी कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है और रेयर एंड मतलब पीछे साइड साइक्लोन का अभी लैंड का ऊपर आ रहा है एंड वो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 घंटा लगेगा, अनदर 1-2 आवर्स लगेगा। उसका बाद उसका मूवमेंट रहेगा मोस्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड और अक्रॉस नॉर्थ उड़ीसा एंड धीरे धीरे दुर्बल मतलब वीक होने का संभावना है इन टू ए साइक्लोनिक स्टॉर्म।